हेलो नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। पिछले 3-4 दिनों में सब लोगों ने, ये जो डॉक्टर हैं इनकी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही थी, अपील करते हुए कि कोरोना में कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और कैसे अपने को किस हिसाब से आगे प्रोसीड करना चाहिए या फिर पैनिक करना है नहीं करना है, उस रिलेटेड इन्होंने बहुत ही इमोशनल अपील करी थी। मैंने भी ये वीडियो देखा एंड आई थॉट कि इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट एक कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, जो भी कोरोना पैंडेमिक अब तक रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया है उससे रिलेटेड, कितना एक्सपेंडिचर हमने किया है पीपीई किट, या फिर जैसे कल मोदी जी ने अपना एक भाषण दिया था तो उसमें मोदी जी ने बताया भी था, तो उसका एक कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में अपन देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित और मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर सर्व किया है 2015 से 2019 एंड आई हैव क्वालिफाइड HCS 2019। अब हम देखते हैं, जैसे मोदी जी कल बात कर रहे थे तो उसमें सारा का सारा किन किन बातों पे उन्होंने बात करी और उसका एक कंप्लीट एनालिसिस। ओके, तो पॉइंट्स जो हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे, पहला तो नंबर ऑफ केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, देन सेकेंड विल बी द डेथ रेट इंडिया में कितनी चल रही है, हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया का कितना हो रहा है, थर्ड वी विल टॉक अबाउट द रिलीफ पैकेज जो गवर्नमेंट दे रही है, फिर एक पीएम केयर्स फंड बनाया गया था कोरोना को लेकर स्पेशली, उसके बारे में अपन देखेंगे, देन पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, वैक्सीन्स, आईसीयू बेड, इनके बारे में अपन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ये कितनी श्रिंक हुई है उससे रिलेटेड एनालिसिस, देन एकदम से जो सर्ज आई है केसेस में इसके पीछे पर्टिकुलरली क्या रीजन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड अभी बर्निंग इश्यूज क्या चल रहे हैं कोरोना से रिलेटेड और वट टू डू, एक तो डिजीज के कंटेक्स्ट में और एक जॉब के कंटेक्स्ट में, क्योंकि खाने पीने के लिए जॉब बहुत जरूरी होती है, बिना जॉब के पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आदमी भूखा मरेगा और कोरोना में ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ये देखिए, ये डेली जो नंबर ऑफ केसेस का चेंज है वो ये अपना यहाँ पे दिख रहा है, लगभग ये 200K है, यानी 2 लाख से ऊपर अपने केस जा चुके हैं। इसको आप देख सकते हैं कि अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ये आपका बोल सकते हैं कि एक हिल सी बन रही थी, इंक्रीज हुआ, देन अगेन डिक्रीज हुआ, जनवरी तक बिल्कुल ही कम था, फरवरी में कम था, बट देन अगेन एकदम से फरवरी के बाद एकदम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने में आया है नंबर ऑफ द केसेस में। ये इंडिया के नंबर ऑफ केसेस हैं जो अभी लगभग 2 लाख को क्रॉस कर चुके हैं डेली बेसिस पे। अगर हम डेथ के कंटेक्स्ट में बात करें तो नंबर ऑफ केसेस इंडिया में जो है वो 15.3 मिलियन पहुंच चुके हैं, यानी 1.5 करोड़ से ऊपर नंबर ऑफ केसेस जा चुके हैं। डेथ की अगर आप देखोगे तो 1,80,000, यानी लगभग 2 लाख के आसपास डेथ रेट इंडिया का नंबर ऑफ डेथ हो चुका है, रिकवर्ड लगभग 13 मिलियन के आसपास लोग हैं। अब उसमें कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड अगर हम देखें तो अभी अपन ने लगभग लगभग 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर दी है, जिसमें से फुली वैक्सीनेटेड आपके अगर देखेंगे तो 1.3% के आसपास लोगों को फुली वैक्सीनेट किया जा चुका है इंडिया में। ये 10 मिलियन है तो ये 10 करोड़ है, लगभग 10 करोड़ से ऊपर हम पहुंच चुके हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड भी लगभग लगभग 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सो इंडिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ केसेस अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो वो है 9.3% ऑफ द केसेस। अगर दुनिया में 100 केसेस हैं या फिर 1,000 केसेस हैं तो 93 कहां पे हैं, इंडिया में। और डेथ रेट्स अगर देखेंगे तो वो है 5.79%। सो ये एक बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट आता है, बट रेट के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में कंपेरेटिवली लेस डेथ रेट है, बट ये कोई मतलब उतना ये नहीं है, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये अगेन हमारे लिए कंसर्निंग विषय है। अभी इतने सब कुछ डाटा देखने के बाद द ओनली थिंग विच कम्स इन टू अवर माइंड इज द फियर। मैं भी पिछले 4-5 दिनों से जब एकदम से इतना सर्ज हुआ, खुद हमारे ही क्लासरूम के स्टूडेंट्स, अकेडमी के स्टूडेंट्स लगातार मैनी न्यूज आर कमिंग कि वो लोग पॉजिटिव आ गए, उनके फैमिली में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कंसर्न बार बार जग रहा था, तो फियर भी साथ साथ आ रहा है। बट लेट अस सी, अब इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर आप देखिए, 2021-22 में गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2.323 लाख करोड़ हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी जो पिछले साल तक आपका 94,000 के आसपास था, 137% इंक्रीज इन द हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बोला है। बट ये एक ओवरऑल आपका, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिले हुए हैं, बट अगर गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात करें तो वो लगभग लगभग 70,000 करोड़ के आसपास आपका आता है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडिया का है अराउंड
1.8% ऑफ द जीडीपी, बट द कंसर्निंग न्यूज इज, मतलब अगर जो एक्सपेंडिचर अभी अपन ने देखा, ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर वो अपना जा रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में आप समझना चाहें तो 70% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी 30% ही सिर्फ गवर्नमेंट अपना देती है. उसके बाद इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की, 145th रैंक पे इंडिया आया है. ये भी हमारे लिए कंसर्निंग न्यूज है. ये हमें मतलब कोरोना की फाइट में एक जो इशू हमारे दिमाग में रहना चाहिए ये भी रहना चाहिए. ये गवर्नमेंट का ही पीआरएस की वेबसाइट से है. अभी 67 बजट एस्टिमेट है 67,000 करोड़, बट दिस इज नॉट सफिशियंट टू फाइट. फिर भी मतलब अच्छा स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है. एक रिलीफ पैकेज मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जीडीपी का 10% आप रेस्क्यू पैकेज अनाउंस करेंगे, बट वो जो रेस्क्यू पैकेज होते हैं ये देखने में तो लगता है कि 10% ऑफ द जीडीपी आप दे रहे हैं, बट इसमें इश्यू क्या होता है कि आप ये जो लोन इंश्योरेंस वाला सारा का सारा सिस्टम इसमें इंक्लूडेड रहता है. तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन आपका आता है बैंक्स के पास, तो बैंक अगर फंड देंगे तभी ये 10% ऑफ द जीडीपी आएगा. सेम कंसर्न बनता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में. एग्रीकल्चर सेक्टर में 10% 11% ऑफ द जीडीपी लाया जाता है, बट वो जो लोन्स हैं क्या वो दोबारा से आपके मार्केट में आ पाते हैं? तो ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है क्या ये अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क बड़ा आता है. देन पीएम केयर फंड्स है जो मोदी जी ने बनाया था कोरोना से स्पेसिफिकली फाइट करने के लिए. 3076 करोड़ के आसपास इसमें अमाउंट है, बट यहाँ पे जो कंसर्न है किसी को नहीं पता है कि इसमें से कितने पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि आरटीआई जब लगाएगी तो पाया गया कि मतलब इससे रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है, एंड ये पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं है तो इसके डाटा को आप पब्लिक भी नहीं कर सकते. ये एक बड़ी ही कंसर्निंग चीज है. इस टाइप का अगर कोई डोनेशन फंड बनता है तो दैट हैज टू बी पब्लिक. अब अगर पीपीई किट, पीपीई किट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है. कोरोना से पहले इंडिया इंपोर्ट करता था पीपीई किट को, अभी अपन मतलब 5 लाख पीपीई किट डेली बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड इंडिया इज एक्सपोर्टिंग पीपीई किट्स. ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है. देन सेकंड अपन देखें वेंटिलेटर्स. वेंटिलेटर्स के केस में जो ये अपने मतलब हेल्थ स्टेट मिनिस्टर होंगे कुछ, उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया में 3 लाख यूनिट पर एनम बन रही हैं अब कोविड आने के बाद, तो ये वेंटिलेटर्स के कंटेक्स्ट में भी एक पॉजिटिव न्यूज इंडिया में देखने को मिल रही है. देन वैक्सीन प्रोडक्शन, तो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है एंड भारत बायोटेक, ये दो मेन है. इनको 210 मिलियन मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट से. दो वैक्सीन ये बना रहे हैं, कोविशील्ड एंड द कोवैक्सीन. ये हमारे इंडिजिनस वैक्सीन है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. देन अगर बेड्स देखें तो गवर्नमेंट में 7,20,000 के आसपास अपने बेड हैं गवर्नमेंट में, जिसमें से आईसीयू बेड लगभग 50,000 to 60,000 के आसपास है. 25,000 अपने पास वेंटिलेटर बेड हैं गवर्नमेंट में. देन अगेन इट इज अ कंसर्निंग थिंग कि इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 25,000 डेली बेसिस पे आपके केसेस ही 2 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं. सो मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है वो कहां जा रही है ट्रीटमेंट के लिए? अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल. क्या वो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं? नो. अब अगर आप इकोनॉमी देखोगे तो इकोनॉमी में जो 2020 क्वार्टर वन और क्वार्टर टू का जो श्रिंकेज था -23 और -7.5 था, धीरे धीरे रिकवर कर रही थी ये चीज, बट अगेन फरवरी से जो आपके केसेस हैं, ओके वन सेकेंड, हेलो, ओके, कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है, बट आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, विल जस्ट वेट. तो जो फरवरी के बाद जो अपना कोरोना के केसेस में इंक्रीमेंट हुआ है उससे अगेन जो इकोनॉमी अभी अपन देख रहे थे कि श्रिंकेज इकोनॉमी में आ रहा था, तो वो दोबारा से आपका बढ़ने की संभावनाएं फिर से हो जाती है. ओके, वी आर बैक अगेन. ठीक है, तो इसमें अब एक जो सवाल अपने दिमाग में आएगा कि अभी जो सर्ज है वो क्यों हो रही है, व्हाई दिस सर्ज नाउ? तो एम्स के एक डॉक्टर थे तो जो हेड हैं वहां पे, उन्होंने बताया कि देर आर टू मेन रीजंस कि जनवरी फरवरी यहाँ पे आपने सोशल नॉर्म्स को रिलैक्स करना शुरू किया. लोग आए, मतलब जैसे ही आपने सोशल स्पेसिस को खोला पार्टीज आपकी बढ़ गई, इंटरेक्शन आपका बढ़ गया है, रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ी हैं. सेकंड पॉइंट कि लोग मतलब मंदिरों में जाने लग गए और आसपास मिलने लग गए थे, तो वहां से भी कोरोना फैलना शुरू हुआ. थर्ड मैरिज सीजन था फरवरी, सबको बताया बहुत सारी मैरिजेस सबने अटेंड करी थी, उस टाइम पे भी कोई भी सोशल नॉर्म्स उतने फॉलो नहीं कर रहा था, ये भी एक रीजन है. पॉलिटिकल रैलीज, फोर्थ, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. देन अगर आप देखेंगे तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये चाहे हम अपने पॉलिटिशियंस की बात कर लें या हम अपने खुद की बात कर लें, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है. तो ये दीज आर द फाइव पॉइंट्स विच आई कुड थिंक कि इसकी वजह से सर्ज हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो पांच स्टेट्स हैं, फाइव स्टेट्स में 70% ऑफ द केसेस हैं, ये कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड केरला. तो इनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस अब बढ़ रहे हैं. सो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ इज द सिचुएशन नाउ. तो यू कैन सी द सिचुएशन इज नॉट गुड, इट इज प्रीटी बैड. तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पहले तो कि सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड. तो बर्निंग इश्यूज अभी क्या हो रहे हैं, बेड की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो रही है. बेड मतलब बेड ही नहीं है, वेंटिलेटर्स तो भूल ही जाओ. मैक्सिमम जो क्रॉनिक पेशेंट है वो वेंटिलेटर्स पे हैं. सो जो डॉक्टर थी वो भी यही अपील कर रही थी कि अगर आपको बीमारी होती है तो आप तुरंत हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि आप बेड ऑक्यूपाई करेंगे, बेड और दूसरे जिसको जरूरत होगी बेड को उसको नहीं मिल पाएगा. देन पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे लोगों के बीच में. सो इसको भी कंटेन करने की आवश्यकता है. पैनिक और फियर देखिए ये दो तरीके से काम करते हैं. अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो लोग हो सकता है इसको कंटेन करने में हेल्प करे ये फियर, बट पैनिक नहीं होना है. पैनिक होता है कि आपको बीमारी हुई, आपके आसपास वालों को बीमारी हुई, आप पैनिकली रिएक्ट करेंगे और उससे फिर जैसे बॉडी जो जिस तरीके से रिएक्ट करती है तो थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो जाता है. ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं. देन एक जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन हियर. तो यहाँ पे ना तो हम गवर्नमेंट को अकेला रेस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं. आई विल से बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री सब मिलके ही रेस्पॉन्सिबल हैं. एंड अगेन जो वायरस का जो नेचर होता है, वायरस म्यूटेट होता है, ये नेचुरल चीजें हैं. तो इसमें उतना हमारा हाथ मतलब कहाँ तक कितनी चीजों को आप कंटेन कर सकते हैं. कई बार चीजें आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो नेचर इटसेल्फ इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल. ठीक है, अब हमारे सवाल आता है कि व्हाट टू डू, अब क्या करना चाहिए. पहले थिंग तो आप घर में हैं, घर में ही रहिए, डू नॉट गो आउटसाइड. जब तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम नहीं है तब तक आपको बाहर नहीं जाना है. ये चीज प्रिवेंट करेगी कि भाई हम एक्सपोजर में खुद भी ना आए और दूसरे लोगों को भी एक्सपोज ना करें. बट अगर जाना भी पड़ता है तो ऑलवेज वियर मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को सैनिटाइज किए आने के बाद, जाने से पहले. तो ये सारे के सारे रूल्स आप जो कॉमन रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से. देन कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि वायरस है, वायरल इन्फेक्शन में आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेम चीज खाना पीना आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रिलेटेड होती है और इम्यूनिटी ही वायरल इन्फेक्शन में आपको फाइट करने में हेल्प करेगी. एंड इसमें अगर अपन ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो योगा एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन इसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है. प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आप कर सकते हैं. ये चीज डेफिनेटली हेल्प करती है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं. एंड इसको अब करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. आप घर पे ही बैठ के करिए, बाहर पार्क और पब्लिक स्पेस में जाके या जिम वगैरह में जाके करने की आवश्यकता नहीं है. देन सम अदर थिंग्स आई वांट टू सजेस्ट हियर. पहला ये देखिए, ये है टेलीमेडिसिन. आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आप ऐश मतलब आपको एक बीमारी हुई, 90-95% ऑफ द केसेस में वो एक छोटी बीमारी होती है. अगर उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आप एक्सपोज होंगे. बट इस कंडीशन में आप ट्राई कीजिए कि जो टेलीमेडिसिन या फिर ऑनलाइन अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उस चीज को कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाएगा. टेलीमेडिसिन आपको यूज करना पड़ेगा. अगर आप बीमार हो जाते हैं सो डू नॉट पैनिक एट ऑल. पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है. जितना आप अपने दिमाग को स्टेबल रखेंगे उतना ही फिजिकली आप जल्दी रिकवर करेंगे. ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. देन अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, एजुकेशन में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन बहुत इफेक्ट हो रही है. तो यहाँ पे द ओनली सॉल्यूशन इज टेली एजुकेशन या फिर जो भी ऑनलाइन एजुकेशन. अभी लगातार बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन जा चुके हैं और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने कॉलेजेस या फिर स्कूल्स को ऑनलाइन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो उतनी प्रभावित ना हो. क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो 2-3 साल बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा. अभी हम इस चीज़ को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो दिस इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस. अब आप खुद भी वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दे सकते हैं. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन देर आर मैनी कोर्सेज. आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, वो कोर्सेज आप सीखिए. घर पे रहते रहते भी बहुत सारे कोर्सेज सीखे जा सकते हैं, आप इनकी ट्रेनिंग लेते रहें. स्किल डेवलपमेंट मेन फोकस आपका होना चाहिए. कोई भी स्किल,
जो आप खुद से डेवलप करना चाहते हैं, इससे आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेगी, कंपिटेंसी बढ़ेगी। यही नॉलेज और स्किल्स जो है वो आपको शेयर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी कुकिंग अच्छी करता है तो कुकिंग्स में उसकी स्किल्स है, अब वो एज ए बिजनेस इसको कैसे कर सकता है? ऑनलाइन आप अपनी जो रीच है वो बढ़ाइए, थ्रू यूट्यूब आप बढ़ा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस टाइप के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है आप इनको यूज कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जो पिछले एक साल में, देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करी है क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं रहा, सो एंटरटेनमेंट, देन जो भी डेली बेसिस के काम होते हैं जो हमारे काम में आते हैं उनकी वोकेशनल या फिर वो अगर नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो वो भी आपको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। तो एक तो ऑनलाइन सीखना है, सेकेंड ऑनलाइन सिखाना है, यही एक सॉल्यूशन हो सकता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इसको समझे तो। सो दिस इज इट। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ। And so this is it in this video. Please share this video as much as possible. See you in the next video. Till then, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.